हेलो दोस्तों, तो निफ्टी और सेंसेक्स के आवरली चार्ट में देखिए जबरदस्त बाउंस आया है। और ये बाउंस मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट डिस्कस किया था कि यहां से देखिए मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है आवरली चार्ट और डेली चार्ट में इस जोन में, यहाँ पे देखिए इसको नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। 90% चांस है कि मार्केट या तो बाउंस करेगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। और इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहेगी? ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। अगर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी करेंगे तो यहाँ से अच्छा एक प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट इस टाइप से ऊपर भी जा सकता था या फिर यहाँ पे इस टाइप से टाइम पास भी कर सकता था। तो ये दोनों सिनारियों में हम ऑप्शन सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में कई बार आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन में तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन क्या होगा कई बार जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर ये देखिए 3 4 5 कैंडल यहाँ पे इस टाइप से बना दिया तो इस टाइप से बना देगा, तब आपको इसमें लॉसेस के भी सामना करने पड़ते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक सही और सेफ स्ट्रेटेजी क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, उसको फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। डिस्क्लेमर है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। मैं यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आप ये सब चीजों को समझ पाए कि देखिए ये मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है। देखिए एक्चुअल में मार्केट में देखिए यहाँ से सेलिंग आया, ये पूरा सेलिंग यहाँ से हमने आपके साथ शेयर किया कि सेलिंग आएगा। और जैसे ही ये सपोर्ट पे आया तो मैंने क्लियर कट यही कल के वीडियो में बोला कि अब ये सपोर्ट पे आ गया है। दो रीजन से ये मार्केट सपोर्ट को नहीं तोड़ सकता है। एक तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया, काफी तेजी से मार्केट गिरा, उसके बाद एवरेज जो है काफी दूर हो गया। तो जो ऐसा होता है तो इस पर एक छोटा सा बाउंस जरूर आता है। ये बाउंस ऊपर की तरफ भी आ सकता है या फिर यहाँ पे टाइम पास भी कर सकता है। और दोनों सिनेरियो में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने के लिए 50-50 का चांस होता है, ठीक है। यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि आज के दिन में ये देखिए मार्केट सेलिंग में आ गया। ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में ही डिस्कस किया कि देखिए सेलिंग में आ गया और उसके बाद आज क्या किया, आज फिर से फ्रेश लो बनाया, फिर से ऊपर आया, एवरेज को सपोर्ट लिया और फिर से ये रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आ गया। अब इस मूविंग एवरेज को समझिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब में आप देखिए कि ये जो आपके साथ मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है 20 EMA है, बहुत ही इजी तरीके से काम होता है। ये कब कैसे काम करता है वो चीज समझना जरूरी होता है। और मैंने आपको इसमें को बहुत बार इस YouTube चैनल पे समझाया है कि होता क्या है। देखिए ऊपर का ट्रेंड आया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, देखिए ब्रेकडाउन के लिए भी क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्टली इस टाइप से नीचे आया प्राइस। यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्योंकि एवरेज स्ट्रेच हो गया था, लेकिन यहाँ पे टाइम पास किया क्योंकि सेलर स्ट्रांग थे इसलिए मार्केट को नीचे लेके आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब सेलर अभी भी देखिए स्ट्रांग है क्योंकि नीचे आया सपोर्ट से बाउंस आया सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे बायर नहीं एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ पे बाउंस आया और बाउंस आने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, इस एवरेज के पास, देख रहे हैं। तो ये जो एवरेज है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। EMA है ये और 20 EMA है। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में यूज करना है तो 9 EMA यूज कर सकते हैं, लेकिन 20 EMA जो होता है काफी अच्छी तरह से काम करता है। और बहुत सारी चीज है इसमें, मल्टीपल कंफर्मेशन ये होता है कि कोई पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, तब आपका एक अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंट मिलता है। उसके बाद अगर स्ट्रेच हो जाए EMA और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आ जाए तो एक बाउंस आता है। सेम टाइप से अगर EMA दूर रह जाए और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो यहाँ पे एक क्या होता है कि ये पुल बैक आता है। तो ये चीज आपको समझना है कि मार्केट में ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आपको देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आप बार बार देख रहे हैं कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न, पहली बात यहाँ पे देखिए भी बना, साथ में एवरेजेस स्ट्रेच और इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो ये एक मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ इजी ट्रेड बनता है। उसके बाद अभी अब ट्रेड क्या हो सकता है इसको समझिए, फिर से आप समझिएगा इसको। अभी देखिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर बन रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बन रहा है, ठीक है। बनने के बाद देखिए क्या मोमेंट आया। अब देखिए सेम टाइप से यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए कॉम्प्लेक्स टाइप का, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट को टेस्ट किया, सपोर्ट फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया और फिर से यहाँ पे देखिए हाई बनाया और फिर से नीचे आ गया। ये भी एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश हो रहा है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो यहाँ पे अब ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया जो 21800 का जो जोन है, ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो फिर नीचे हमारा बड़ा टारगेट ओपन होगा, क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इस आवरली चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है निफ्टी में कि आपका एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश हो रहा है। अगर आप इसी को डेली चार्ट में भी कन्वर्ट करके देखेंगे तो देखिए डेली चार्ट में यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से देखिए इस टाइप से यहाँ पे काफी दिनों से यही चीज बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने में मार्केट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जा तो ऊपर ही रहा है, ठीक है। अब इस ऊपर जाने के क्रम में क्या हो रहा है यहाँ पे
यहाँ देखिए पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ इस टाइप से। ये अब ये इस सपोर्ट के पास आया है, तो ये जो है सपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है तो इस चार्ट में आप समझिए कि आपका एक नया लेवल ये सब जो जोन में आएगा, ठीक है, काफी नीचे आएगा। ये देखिए कितना है, 700 पॉइंट का है ये पूरा रेंज। तो अगर यहाँ से जीत गिरता है तो वापस ये 21,000 का जो लेवल है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो अभी मार्केट में क्या है कि अगर यहाँ पे ये वाला लेवल को अगर ये होल्ड कर लेता है तो मार्केट में अच्छी बात है, वापस ये ऊपर का ट्रेंड पकड़ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ भी ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम टारगेट है एक स्पीड में हमें ये सब लेवल तक भी देखने के लिए मिल सकता है। और एक चीज को समझिएगा, देखिए लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है लेकिन ये सब सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब ये सिनेरियो क्रिएट हो तब आपको वहां पे क्या एक्शन लेना है। जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो सेलिंग आएगा तो सेल ऑन राइस का जो रणनीति है उसके तरह आपको अच्छी प्रॉफिट हो सकता है। यही चीज अगर नहीं हुआ तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम पास करके अगर कुछ निकालने का ऊपर का कोशिश करेगा तो जरूर इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए।